here I go, then I will share the screen. Where is my screen? ये रही screen. ठीक है, चलो अब ये लोग जो हैं, आप लोग प्लीज अपना ये जो है सारी चीजें हटा लीजिए. नॉन कुछ लोगों ने अपने वीडियो ऑन करके रखे हैं, आप लोग प्लीज अपना वीडियो बंद कर लीजिए, क्योंकि इसी चीज की डायरेक्ट रिकॉर्डिंग जाएगी. आई विल अपलोड द सेम रिकॉर्डिंग देयर, तो आई डोंट वांट कि आप लोग का वीडियो जो है ऑन रहे. कुशल, कुशल प्लीज कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो प्लीज. ओके, यस यू कैन श्रेय, यू कैन प्लीज टेक द अटेंडेंस. Please take that attendance. I take it as a wastage of time. Just please take attendance whenever you get little bit time. Huh? Class के बीच में कभी भी आप एक बार attendance ले लेना. ठीक है, चलो. So now what is this? अब क्या है? Okay sir, ठीक है. अब please no more chatting. हाँ. Huh? Okay. So linear equation की क्लास अपन पढ़ने जा रहे थे, और ये ऑब्वियसली ये प्रेजेंटेशन जो है मैंने बनाया है. कभी किसी जमाने में मैं ऐसा दिखता था, अब तो नहीं दिखता हूँ ऐसा, तो पहले कभी मैं ऐसा दिखता था. चलो आगे देखते हैं. तो हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे. टुडे वी विल जस्ट हैव ए रिकैपिचुलेशन ऑफ व्हाट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है. क्योंकि हमारी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पिछली एक क्लास हमारी जो है खराब हो गई थी ड्यू टू दैट पावर फेलियर एंड द रेनफॉल, और उससे पहले की जो क्लास थी वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. तो हम लोगों ने अभी तक पॉलिनोमियल्स डिस्कस किए. आज की क्लास में थोड़ा सा कलर इश्यू हो सकता है. प्लीज 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 फॉरगिव मी फॉर टुडेज क्लास. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आई विल मेक श्योर दैट द कलर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. प्लीज आज की क्लास के लिए प्लीज 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 फॉरगिव मी. ठीक है, ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल पीएक्स को अगर मैं, इफ आई इक्वेट This is, ये तो बिल्कुल ही विजिबल नहीं होगा ना. आई विल यूज ब्लैक कलर द बेस्ट वन. इफ आई इक्वेट एनी पॉलिनोमियल पी एक्स टू जीरो, देन दिस बिकम्स इक्वेशन, देन दिस बिकम्स इक्वेशन. एंड सिंस दिस पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सो दिस बिकम्स इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन इज बेसिकली अ लीनियर पॉलिनोमियल equated to zero. अगर मैं किसी linear polynomial को px equal to कोई zero से equate कर दूं, so it becomes a linear equation. Linear equation की definition इतनी ही होती है. A linear polynomial when equated to zero, it becomes a linear polynomial in one variable. A linear polynomial equated to zero becomes a linear polynomial in one variable, becomes a linear equation in one variable. और अगर मेरे पास, सपोज मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए, सो इट विल बिकम ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर मेरे पास दो वेरिएबल आ गए तो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हमें जो पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है क्लास नाइन्थ के सिलेबस में, जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो अब इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें अपन देखते हैं. देखो ये जो 3x plus 5 equal to 0 है, या 7x minus 2 equal to 0 है, this is a linear equation in one variable. Fine? और अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और जोड़ दूं, 3x plus 5y plus 7 equal to 0, so this becomes a linear equation in two variable. ठीक है, या अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 7x minus 2y plus 6 equal to 0, this also becomes a linear equation in two variable. अब बात यहाँ पे याद थी, अब मेरा एक सवाल आप लोगों से, क्या linear equation is only confined to one variable and two variable? Can we have a linear equation in three variables? Say yes or no? Yes, sir. Yes, we can. Yes, sir. Yes, we can. Yes, we can. Linear equation दो variable में भी हो सकता है, तीन variable में भी हो सकता है, जितने चाहो उतने variable में हो सकता है. Linear equation can be in two variable, can be in one variable, it can be in two variable, it can be in three variables, it can be in four variables, it can be in n number of variables. Lekin solution ki agar hum baat kare, if I talk about the solution of the linear equations, to jitne variable honge utni equations hona zaruri hai. I remember last term pe kisi bacche ne pucha tha ki sir agar do variables hain और अगर दो इक्वेशन है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन?
ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये चीज फिक्स है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उनके सॉल्यूशन के लिए आई शुड हैव टू इक्वेशंस, आई शुड हैव टू इक्वेशंस, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट कंसर्न टू योर सिलेबस एट द करेंट मोमेंट, बट एक बात करते हैं कि अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें तो होता क्या है। देखो, वी नो डैट आगे अपन पढ़ेंगे कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं पढ़ा था, याद नहीं है तो अभी आगे देखेंगे, आगे बता दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं दो इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करूं, अब जो अगर मान लो मेरे पास दो लाइंस हैं, दो लाइंस कौन कौन सी हैं सर, एक लाइन है मेरे पास सपोज, एक लाइन है सर मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये दो लाइंस है मेरे पास। अब देयर कैन बी ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो, दो लाइंस है मेरे पास, एक है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो से दिस इज लाइन एल वन, और एक है लाइन एल टू। अब दो लाइंस है, इन दोनों लाइंस की दो तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भाई, या तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या तो ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होंगी। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, सोच के बताओ। दो लाइंस है तो दो लाइंस के बीच के, दो लाइंस के केस में मेरे पास दो इंसिडेंट करेंगे तो इनफिनिटी ज्योमेट्री जब हम लोग अगले जब हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे आई विल टेल यू दिस, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट मोस्ट एट ओनली वन पॉइंट, या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे इफ दे आर नॉट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के केस में अपन ओवरलैपिंग अगर नहीं है तो उसको नहीं बात, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरलैपिंग लाइंस, बट इफ टू लाइंस आर नॉट ओवरलैपिंग तो इन दैट केस दे विल ईदर दे विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो या तो दे विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, और व्हाट विल हैपन, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है दे विल बी कोइंसिडेंट टू ईच अदर, दीज टू लाइंस विल बी coincident to each other. This is something which we normally teach in class 10th, but I thought of explaining you guys also this thing, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा क्या बता दिया, ठीक है। So the linear equation is of two types. Linear equation in one variable का example ये हो गया। अगर हम linear equation in two variable की बात करें तो इसका जो general form होता है, wait, I will remove my photo and I will put it here. अभी ठीक है, अभी एकदम परफेक्टली फिक्स हो गया है, हाँ अब ठीक है ना। तो अब जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है इट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, फाइन, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हम ए बी सी क्या है सर, ए बी और सी जो है ये तीनों रियल नंबर्स हैं, क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब रूट थ्री, रूट टू, ठीक है, इरेशनल हो गए वन बाय टू, थ्री बाय फाइव, रेशनल हो गए इंटीजर्स माइनस थ्री, माइनस टू, वन, जीरो, माइनस वन, इन सारे नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है ए बी और सी, कुछ छूटा तो नहीं, हाँ डेसिमल छूट गया, वन पॉइंट टू, सिक्स पॉइंट एट, कुछ भी हो सकता है। तो दिस ए बी एंड सी कैन बी एनी नंबर दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं ऐसी इक्वेशन लिखी हो रूट थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, तो अब आप बोल दोगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। द ओनली पॉइंट हियर इज ये जो एक्स है इसकी पावर वन होनी चाहिए, दैट्स इट, दिस इज द ओनली क्राइटेरिया हियर, फाइन। तो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर नॉन जीरो नंबर, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और
अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं. केसेस क्या क्या हो सकते हैं देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. फिर अपन इसके ग्राफ की भी बात करेंगे. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो क्या है, ax plus by plus c equal to 0. अब देयर कैन बी डिफरेंट केसेस. या तो एक केस ये हो जाएगा when this a will be equal to 0, ठीक है. एक केस ये होगा जब दिस बी विल बी इक्वल टू 0. एक केस ये होगा जब दिस सी विल बी इक्वल टू 0. और एक केस ये होगा जब इन तीनों में से कोई भी जीरो ना हो. ए इज इक्वल टू बी इज ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू 0. सो देयर विल बी टोटल 4 केसेस हियर. बट एक बात याद रखना, ए और बी साइमल्टेनियसली कभी भी 0 नहीं हो सकते. ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0 simultaneously. That is, A equal to B is equal to 0. This condition is not possible. I hope color combination में कोई problem तो नहीं हो रही है ना अब, because I have. No sir. ठीक है, thank you. बस आज की class में adjust कर लो. Next class में I will change the design of. ठीक है, तो A is equal. मतलब A की value 0 हो सकती है. A की वैल्यू 0 हो सकती है माय डियर, B की वैल्यू भी 0 हो सकती है, लेकिन A is equal to B is equal to 0, this thing is not possible. क्योंकि उस केस लेकिन A की वैल्यू 0 हुई तो x वाला वेरिएबल तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा. कोई बात नहीं, इन दैट केस इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल. सर हाँ जी सर, अगर हम ऐसा लिखे कि a is equal to 0 और b is equal to 0 और हम ऐसा लिखे कि a is equal to b is equal to 0 तो उसमें डिफरेंस क्या है? A इक्वल टू बी इक्वल टू 0 में फिलहाल यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू भी आप 0 ले रहे हो, B की वैल्यू भी 0 ले रहे हो. ठीक है, देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स बिकॉज़ यू हैव टेकन वैल्यू ऑफ A एंड B एज इक्वल टू 0. ओके सर, थैंक यू. चलो आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि आपने आपके फ्रेंड ने बोला कि सर अगर A इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इन दैट केस, अब देखो क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा समझने की कोशिश करते हैं. अगर b इक्वल टू 0 हो जाए, इफ b इज इक्वल टू 0, इन दैट केस माय इक्वेशन विल बी ax plus c इज इक्वल टू 0. प्लीज प्लीज ऑफ योर वीडियो. इन दैट केस माय इक्वेशन विल बी ax plus c इक्वल टू 0. ये किस टाइप की लाइन होगी इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इट विल बी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बट बिफोर डीलिंग विद इट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ. ठीक है, similarly if a is equal to 0 and b is not equal to 0, in that case it will be a line parallel to x axis. ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई. अगर मेरा c equal to 0 है, in that case it will be a line passing through the origin, और अगर इसमें से कुछ भी 0 नहीं है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी. क्या होगी देखते हैं. अब एक एक करके इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन क्या होगी, क्या वेरिएशंस है, कैसे हमारे ग्राफ बनेंगे. पहला फर्स्ट थिंग इज व्हेन ए इज इक्वल टू 0. पहली जो सिचुएशन है वहां पे ए इज इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए मैं ग्राफ बना के लाया हूँ वाई इक्वल टू 4 का. ठीक है, अब इस वाई इक्वल टू 4 के ग्राफ को मैं बनाऊंगा कैसे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि इट विल बी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन मान लो मैं भूल गया. मैं भी भूल जाता हूँ, मैं कई बार भूलता हूँ. तो अब अगर मैं भूल गया तो मैं इसको बनाऊंगा कैसे, यू शुड नो दिस. तो देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में भी की थी. इसको आई कॉल इट द मेथड, आई कॉल इट चिड़िया का घोंसला मेथड. ठीक है, इस चिड़िया के घोंसले में हम क्या करेंगे, ये जो y इक्वल टू 4 है ना बच्चों, इस y इक्वल टू 4 को आई विल राइट 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. लिख सकता हूं मैं, से यस और नो, से यस और नो लिख सकता हूँ. तो यहाँ से व्हाट आई विल राइट इज y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 0 इनटू x. यहाँ से मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इनटू x. तो मैंने क्या किया, माय फर्स्ट स्टेप दैट आई डिड इन दिस क्वेश्चन इज आई एक्सप्रेस्ड वन ऑफ माय वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. मेथड हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड What I did is, steps में लिखवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है. I expressed one of my variable in terms of
अदर वेरिएबल। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं बनाऊंगा चिड़िया का घोंसला। कैसे बनाऊंगा चिड़िया का घोंसला, देखो दिस वाई इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन दिस एक्स, 4-0 इंटू एक्स है, तो दिस वाई इज डिपेंडेंट अपॉन दिस एक्स। सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई देर विल बी डिफरेंट आई बेग योर पार्डन, फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स देर विल बी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, ऐसा इस इक्वेशन से मेरे को लगता है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पे लिख देते अपन x, यहां पे लिखते अपन y। ठीक, अब x की वैल्यू सपोज करो मैंने 0 ली, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4-0 × 0 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 1 ली तो हियर आल्सो y की वैल्यू विल बी 4, x की वैल्यू 2 ली तो हियर आल्सो y की वैल्यू विल बी 4, x की वैल्यू -1 लिया हियर आल्सो y की वैल्यू विल बी 4 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। 0.4 विल बी दिस पॉइंट, एग्रीड, 0.4 जो होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एक्स इज 1 एंड वाई इज 4, एक्स इज 1.4 विल बी दिस पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1.4, हमने उस दिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट्स के लिए किसी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए सबसे पहले हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब मेरे को इस 1.4 को मान लो लोकेट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहां होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट ट्रेवल करूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट ट्रेवल करूंगा, ट्रेवल किया यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहां से मुझे 4 यूनिट और ट्रेवल करना है अलॉन्ग पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस 4 यूनिट ट्रेवल कर दिया, यहां पे मैं आ गया, दिस पॉइंट विल बी 1.4। दो पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दो, वही लाइन जो है आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी। लेकिन आप लोगों की शांति के लिए एक पॉइंट और कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट और जो कंसिडर किया वो पॉइंट क्या बोलता है, एट एक्स इक्वल टू -1 The value of y is 4. So x equal to -1 ये हो गया and value of y is 4 ये हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए रेखा खींच दो, वो जो रेखा हुई वो आपकी इक्वेशन हो गई y equal to 4 की, वो जो लाइन हुई वो लाइन आपकी इक्वेशन हो गई y equal to 4 की। और इस लाइन को हम ये भी बोलते हैं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब 11th, हाँ वो एक मिनट बेटा एक मिनट, जब 11th स्टैंडर्ड में आके जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिर से पढ़ोगे ना, ये कंसेप्ट बहुत जरूर बहुत काम में आएगा कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगी, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इस तरीके की चीजें बहुत काम में आती है। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप, कोई कुछ पूछ रहा था सर? सर इधर एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं तो वो मतलब डिफर नहीं होगा, चले आगे बढ़े सर, कोई कुछ, हाँ बोलिए सर। ax plus by plus c is equals to 0 और सर दूसरी इक्वेशन है y is equals to mx plus c, तो सर दोनों में से सबसे अप्रोप्रिएट इक्वेशन कौन सी है? दोनों इक्वेशन अलग अलग फॉर्म है बेटा, y equal to mx plus c की बात अभी हम लोग नहीं करते हैं, इट इज स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन जिसकी बात हम लोग बाद में करते हैं, तो अभी उसके बारे में बात ना करें। दोनों बोथ आर इक्विवेलेंट, वन इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर इक्वेशन। ठीक है, इसकी प्लीज अभी बात ना करें बिकॉज इन दैट सेंस वी विल डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक। y इक्वल टू mx प्लस c एंड ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दे बोथ आर द सेम इक्वेशंस ओनली, राइट? और कोई कुछ पूछ रहा था, समबडी एल्स वाज आस्किंग समथिंग, मैं देख लूं क्या। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इसमें माय डियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, यहां पे c की वैल्यू क्या होगी आप ही बताओ। y इक्वल टू 4 में I can also write y minus 4 equal to 0, और हमने क्या पढ़ा था, ax plus by plus c equal to 0, compare कर लो, I guess the value of c will be equal to -4,
आई गेस द वैल्यू ऑफ सी विल बी इक्वल टू माइनस फोर यस है ना, तो कंपेयर कर लो ना, जस्ट कंपेयर द कोफिशिएंट्स एंड गेट द आंसर, दैट्स इट। चीजें बहुत आसान है, फिर बोल रहा हूं, हमेशा बोलूंगा चीजें बहुत आसान है, डोंट जस्ट डोंट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स जस्ट बिकॉज यू आर इन नाइन्थ स्टैंडर्ड, आपको लाइसेंस नहीं मिलता है चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का। डोंट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, जस्ट ट्राई टू कंपेयर, जहां नहीं समझ में आता है वहां कंपेयर करो। वो विराट कोहली बोलता है ना, जहां नहीं समझ, आई ऑलवेज स्टिक टू माई बेसिक्स, सो जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स। आपने बेसिक बेसिक चीज आपने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट्स इट, दिस वाज योर बेसिक। कंपेयर करो चीजों को। अब आपके फ्रेंड ने बोला सर ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से ही डिफाइन हुआ है, क्योंकि ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे इसके दो वेरिएबल्स हैं, स्ट्रेट लाइन का जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इट ऑल्सो हैज टू वेरिएबल्स, इट विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद आपको जितनी वेरिएशंस निकालने निकालते रहो ना यार, क्या प्रॉब्लम है, किसने रोका है, रिसर्च करो। जो इंसान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अगर कोई पीएचडी कर रहा होगा ना, उसने भी स्टार्टिंग यहीं से की होगी। और कल दिन अगर वो अपनी थीसिस लिखेगा और कल दिन अगर वो कुछ डिस्कवर करेगा ना, तो उसकी स्टार्टिंग का बेसिस भी ax plus by plus equal to zero ही होगा। Just stick to your basics। अब इस इक्वेशन को बना के देखिए आप लोग सब लोग, x equal to 3, क्या ये इक्वेशन इस तरीके से बन रही है कि नहीं बन रही, क्या ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ रही है कि नहीं आ रही है। आई जस्ट गिव यू सम टू मिनट्स नहीं, सब जस्ट 30 seconds। इस लाइन को, इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करो आप लोग, देखो बनता है कि नहीं बनता है। बना लिया सर, बना लिया सर, हो रहा है, हो रहा है, हाँ सर, बना लिया, हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है, चलो अच्छा रहा, मैंने 30 seconds दे दिया, अच्छा हुआ। क्या मेरे पहाड़ों के पीछे कुछ मूवमेंट हो रही थी, तो आई जस्ट वेंट टू चेक वेदर चाइनीज ट्रूप तो नहीं आ गए वहां पे। ठीक है, देखो क्या था, चलो ठीक है, थोड़ा सा वो भी जरूरी है, अदरवाइज पता चला नेक्स्ट क्लास से कोई आया ही नहीं। देखो करना क्या है, ax plus c equal to 0 है ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 0 into y plus x is equal to 3. Now x is equal to 3 minus 0 into y. सेम कंसेप्ट, चिड़िया का घोंसला, मना दो भाई। यहाँ पे y को अपन x को एक्सप्रेस किया y के फॉर्म में, तो यहाँ y हो गया, यहाँ x हो गया। ये 0 लोगे तो x की वैल्यू 0 होगी, ये 1 लोगे तो x की वैल्यू 0 होगी, सॉरी 3 होगी ना, 3 होगी। ये 1 लोगे तो x की वैल्यू 3 होगी, ये 2 लोगे तो भी x की वैल्यू 3 होगी। सो व्हाट आई फाउंड हियर इज, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y द वैल्यू ऑफ x इज 3, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y द वैल्यू ऑफ x इज 3। x इक्वल टू y इक्वल टू -1 लिया तो भी x की वैल्यू 3 आई, सो दिस पॉइंट इज 3, -1। और जब x की वैल्यू 1 ली, तो जब y की वैल्यू 1 लिया तो भी x की वैल्यू 3 आई, सो दिस पॉइंट इज 3, 1। जब y की वैल्यू 0 लिया तो भी x की वैल्यू 3 आई, सो दिस पॉइंट इज 0, 3। दो पॉइंट्स मिल जाते हैं तो अपन लाइन आराम से ड्रॉ कर लेते हैं, तो 3 पॉइंट मिल गए भाई, ड्रॉ कर दो, भगवान का नाम लेकर ड्रॉ कर दो, सब कुछ अच्छा जाएगा, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। सो दिस इज हाउ वी यूज टू ड्रॉ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन्स। अब अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कुछ और कॉम्प्लिकेटेड चीजों की, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ और वेरी सिंपल केसेस की। अब ये जो लाइन है 3x plus 4y equal to 0, although I have already given you the graph, but I want you all to draw this graph. Please एक बार draw करके देखो, क्या ये वाकई में ये graph origin से pass हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Maybe मैंने कुछ गलती की उस दिन जैसे, Maybe I have done some mistake like that day. Somebody is saying something? No, sir.
नो सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। हाँ सर हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से पास हो रही है। चलो अच्छी बात है, जब हो रही है। ओके वेरी गुड। वैसे भी सर सी जीरो है, इसीलिए सी इक्वल टू जीरो है, तो इट विल पास फ्रॉम द ओरिजिन ओनली। चलो मैं अपने आप को इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखो करना क्या है इसमें, कुछ करना नहीं, बहुत आसान सी चीज है यार। किसी भी टर्म, किसी भी वेरिएबल को किसी भी टर्म में एक्सप्रेस कर लो। सो मैंने कर दिया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/4 मल्टीप्लाइड बाई x। अब वही चीज चिड़िया का घोंसला x y। अब देखो यहां पे एक बात ध्यान रखना, देयर इज अ ट्रिक जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताई थी, मैं फिर से आप लोग को वो चीज रिपीट करना चाहता हूँ। मल्टीपल्स ऑफ फोर लेते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। मल्टीपल्स ऑफ फोर लेने, अगर आप मल्टीपल ऑफ फोर नहीं लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बोल रहा हूँ मल्टीपल ऑफ फोर नहीं लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेशन होगी। इंटीजर नहीं आएगा। हाँ वो इंटीजर है इसीलिए ना। हाँ वो फ्रैक्शन है इसीलिए, इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल ऑफ फोर ले लो। एक फोर ले लो, एक जीरो ले लो, एक माइनस फोर ले लो, खत्म। तीन पॉइंट मिल गया, आंसर हो गया। पहला जब आप फोर लोगे तो आपकी वैल्यू -3 आएगी, जब आप जीरो लोगे तो जीरो आएगा, जब आप -4 लोगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू 3 आएगी। तो तीन पॉइंट्स मिल गए, एक एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इक्वेशन बना लो, खत्म क्वेश्चन। आपके क्लास में आपके आपके स्टैंडर्ड पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके यहाँ एग्जाम में ग्राफ का कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी टाइप का आएगा, वो इसी टाइप का आएगा ग्राफ का क्वेश्चन, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। स्कूल में तो हमें ग्राफ के बारे में सिर्फ बताया, मतलब ऐसे प्लॉट कैसे करना है वो सब नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, सिखा देंगे, या तो सिखा देंगे या तो स्किप कर देंगे। अभी सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरे को, बस भूलना मत। अपने 10th वालों से कुछ सीखो, उन लोगों को अभी भी 9th की सारी चीजें याद है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई रियलाइज दिस टुडे, उनको अभी भी 9th की सारी चीजें याद है। चलो आगे बढ़े, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ सबको समझ में आ गया? हाँ सर। चलो हाँ सर। अब ये वाला ग्राफ बना के देखो, 3x + 4y = 12। अब ये बना के देखो कैसे बनेगा। ओहो, getting the answers also? हाँ सर हो गया। सर हो गया। हो गया? हो गया। Very good। देखो। हाँ सर हो गया। करना क्या है? इसमें कर दो 4y = (4y = 12 - 3x। तो y will be equal to 12 - 3x / 4। x की डिफरेंट वैल्यूज ले लो, कर सकते हो। आपने पिछली क्लास में भी यही चीज पूछी थी कि सर उल्टा कर सकते क्या? कर सकते यार, जैसे माना वैसे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी और ने पूछा होगा यार, लोड ना ले काके किसी और ने पूछा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, किसी और ने पूछा हो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी ने पूछा था, ये आई थिंक पता नहीं किसने पूछा, मैं भी मल्टीपल्स लेंगे ना। इसमें मल्टीपल्स ले लो या डायरेक्टली ले लो, इसमें मल्टीपल लेने से कोई फायदा नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आप कोई भी वैल्यू ले लो, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। बट यस द थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक यू शुड गेट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट मिलेंगे तभी तो ग्राफ बनाओगे यार, 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे तब ग्राफ कैसे बना दोगे। एंड दिस डिस्टेंस इज वाई इंटरसेप्ट एंड दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको अपन वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। वाई इंटरसेप्ट इज द लाइन द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और एक्स इंटरसेप्ट इज द पॉइंट जो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एंड जब अपन डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे वी विल टेक द मॉड वैल्यू। व्हाट आई मीन टू से इज सपोज मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, तो इन दैट केस
इन दैट केस हम लोग पॉजिटिव 4 लेते, नेगेटिव 4 नहीं लेते, क्योंकि इंटरसेप्ट मींस मेजरमेंट ऑफ समथिंग, और कोई भी मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। क्या आपने -5 सेंटीमीटर कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना यार, अगर आप लोगों ने तो सुना हो तो बताओ, सुना है? हाँ फिर ठीक है, नहीं सुना। हाँ, नो सर, क्योंकि क्योंकि मैंने तो नहीं सुना था यार। ठीक है, तो x will be equal to 4 सेंटीमीटर। हम लोग हमेशा मॉड की वैल्यू की बात करेंगे, we won't talk about the absolute value कि सर ये तो नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया आप क्या करें, तो उसकी बात नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे हाउ विल आप एक बार प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हो? हाँ प्लीज, क्यों नहीं जा सकता? हाँ बोलिए सर, आपने बोला कि अगर मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा होता, सर आपने ड्रॉ किया वो वाला, सर अगर वो पहले से आपने ड्रॉ किया हुआ था व्हाइट वाला, सर उसमें 4 नहीं होगा सर, एक्स का नहीं, वाई का इंटर, नहीं नहीं नहीं, वाई का इंटरसेप्ट तो 4, वाई का इंटरसेप्ट यहाँ पे 3 होगा ना बेटा, क्योंकि ये तो इस पॉइंट से जा रहा है ना, y का इंटरसेप्ट तो 3 ही रहेगा, लेकिन x का इंटरसेप्ट जो होगा वो 4 हो जाएगा, -4 नहीं होगा 4 होगा, ये मैं बोलना चाह रहा था। यहाँ पे दोनों ग्राफ में 4 ही होगा ना सर? हाँ दोनों ग्राफ में 4 होगा, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो मैंने ये बताई थी कि ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी जहां पे हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट करे। अब मान लो मेरा ग्राफ अगर -4 पे कट करता है तो क्या क्या मेरा इंटरसेप्ट -4 होगा? नहीं, मेरा इंटरसेप्ट -4 नहीं होगा, मेरा इंटरसेप्ट क्या होगा? +4 होगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है, चलो, थैंक यू, ओके चलो। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, हाँ बोलिए सर, ये x और y इंटरसेप्ट का क्या काम क्या होता है? बेटा अभी कोई काम नहीं होता है, अभी बस आपको इस तरीके से बता दिया है, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिटेल में पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन होती है। ठीक है, लाइन की एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, फिर इसकी इसके यूजेस जब अपन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं, साइमल्टेनियस स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, वहां पे इसका यूज आता है। ठीक है, यू आर जस्ट इनटू स्टार्टिंग ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी सॉरी अभी जो है आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल सकते हैं, अभी आप इस चीज की स्टार्टिंग में हो, आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना तो यू विल फाइंड डिफरेंट थिंग्स। एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, एक होता है फिर ये स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन होती है, तो ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कई टाइप की होती है, जैसे आपका जो नाम है, मान लो आपका नाम स्कूल का एक्स है, घर का आपका नाम वाई है, आपके फ्रेंड्स आपको जेड नाम से पुकारते हैं, जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पी नाम से पुकारा जाएगा, तो हर नाम का अपना अपना अलग अलग यूज होता है। इसी तरीके से डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस का अपना अपना अलग अलग कुछ ना कुछ यूज होता है, दैट ग्रेजुअली यू विल लर्न। अब जैसे जैसे धीरे धीरे सब्जेक्ट को और डीपली पढ़ोगे आप इस चीज को सीखोगे। अगर अभी सारी चीजें बता दी जाए तो पता चला 10th स्टैंडर्ड में आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ो ही, मोस्ट ऑफ यू विल से दैट वी डोंट वांट टू स्टडी मैथमेटिक्स इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक, चलो नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन इज बेसिकली दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दैट सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। मतलब अगर मान लो किसी इक्वेशन 2 इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए अपन ग्राफ बना के सॉल्व कर देंगे, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आई मान लो 3 और 5 आई, तो ये एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 5 रखने पे मेरी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या हुआ कि माय लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू माय राइट हैंड साइड। अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड और मेरा राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होता है, दैट मींस माय इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड।
That means my equation is not satisfied. So my idea should be कि मैं जो भी value रखूँ x and y की, my left hand side and my right hand side should be equal. अब देखते हैं एक equation की बात करके देखते हैं. चलो पहला question जो आपके screen पे है वो ये है, prove that x equal to 3 and y equal to 2 is a solution of 3x minus 2y equal to 5. अब करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वैल्यू x एंड y किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड में x की वो वैल्यू और y की वो वैल्यू रखने पे माय लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मैंने बताया था आपको. तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की बात करता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं x की जगह 3 पुट कर देता हूं और y की जगह मैं 2 पुट करता हूं, एंड आई विल सी इफ माय लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5, इफ माय लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, इफ माय लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5, देन आई विल से दैट माय इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. तो रख देते हैं x की जगह 3 रख दिया, माइनस y की जगह अगर मैंने 2 रख दिया, कौन बोल रहा था 1 आएगा भैया, this will be 9 minus 4 which is equal to 5 sir me which is equal to RHS. So my since my LHS is equal to RHS, that means x equal to 3 comma y equal to 2 is a solution of this equation. Please don't say anything, aisi cheeze na bole jo aapke liye aur mere liye dono ke liye hanikarak ho. Beta please try to focus on your calculation. Ha, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो बहुत लाइफ विल बिकम मिजरेबल. अगर आप इस टाइप की छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो योर लाइफ विल बिकम मिजरेबल. सो प्लीज अवॉइड सच कैलकुलेशन मिस्टेक्स. अब देखो अगला क्वेश्चन है, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ दिस, इसके 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं. आई विल गिव यू जस्ट 30 seconds to solve this. कैसे इसके 3 solutions निकालेंगे हम? मैं तो बोलता हूं कि इसके 3 solutions possible नहीं है. कोई अगर ऐसा है जो बोल सकता है कि नहीं सर इसके 3 solutions possible हैं, तो he is most welcome for the discussion. But मुझे तो लगता है कि इसके 3 solutions possible ही नहीं है. हाँ सर, इसके हो सकते. हो सकते हैं. Okay. आपका सर, इसके इनफिनिट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इनफिनिट हो सकते हैं. आप लोगों का पॉसिबल है. आप लोगों का शुभ नाम, अपना अपना शुभ नाम बता दो भाई. सर सौरभ राज सिंह. सौरभ राज सिंह व्योम. ओके, और एक और तीसरा भी कोई कुछ बोला था ना? हाँ सर श्याम. हाँ सर मैंने बोला था सर. सर वंश. सर श्याम. ठीक है. हाँ सर पॉसिबल है. व्योम एंड शुभराज सिंह है ना? नहीं कुछ और, फिर गलत नाम बोल दिया सर. सौरभ राज सिंह. हाँ सौरभ राज सिंह. ठीक है यार, मेरे को पता नहीं बार बार शिवराज सिंह क्यों याद आते हैं जब भी तुम्हारा नाम लेता हूँ. तो व्योम, सौरभ राज सिंह एंड युग पटेल. ठीक है, आप तीनों को जो है मैं अभी आपके पेरेंट्स आपकी शिकायत करने जा रहा हूँ. यार कैसे 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे यार? एक बात बताओ, अगर एक इक्वेशन दी हुई है तो उसका तो एक ही सॉल्यूशन होगा ना? एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है ना? वेरी गुड. आपका क्या नाम है बताइए? दर्श. वेरी गुड दर्श. देखो इस बच्चे को, सही बोल रहा है एकदम. सौरभ राज सिंह गलत बात है भाई, दिस इज रॉन्ग. और ये मत सोचना कि सर हर बार कंफ्यूज करते हैं तो आज भी कंफ्यूज करना है. दिस टाइम यू गाइस आर रॉन्ग. चलो और किसी को ट्राई कर. जितने इक्वेशंस होंगे जितने वेरिएबल्स हैं उतने तो इक्वेशंस होने चाहिए कम से कम. हाँ चलो एक एक दो लोग. हाँ एक दो लोग और ट्राई करने दो. हाँ बताइए सर. इन्फिनिटी होंगे. इन्फिनिटी होंगे. अच्छा जी. हाँ सर इन्फिनिटी है. एक्स और वाई की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी तो हर बार इक्वेशन बदल जाएगी. सर एक लाइन कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है सर. इक्वेशन की वैल्यू बदल, इक्वेशन नहीं बदलेगी. देखो चलो ठीक है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो जीरो दे, कुछ भी नहीं बनाना. नहीं, एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यू नहीं निकालनी है जो जीरो दे. एक्स एंड वाई की वो वैल्यू निकालनी है जिससे माई एल एच एस बिकम्स जीरो.
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एक्स और वाई की वो वैल्यू लेकर आना है मेरे को जहां पे LHS will equal to zero. और मैं अब आप लोगों को, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि क्या एक्स और वाई की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है. आप में से कुछ लोगों ने कहा, आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सर ये क्या हो रहा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि सर एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है. कुछ लोगों ने कहा कि सर एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है. जिनको जिन्होंने इनफाइनाइट वैल्यूज कहा है उनके पेरेंट्स से मैं बात करने जा रहा हूँ बिकॉज दे आर नॉट स्टडिंग इन द क्लास. ठीक है, और जिन्होंने एक वैल्यू कहा है उन लोगों को आई विल रिक्वेस्ट देयर पेरेंट्स टू गिव देम अवार्ड. बाकियों के रिस्पांस का मुझे इंतजार है. रिस्पांस कीजिए प्लीज. सर दो सॉल्यूशन तो दे दिए. सर दो तो हो ही जाएंगे. दो नहीं, मेरा क्वेश्चन है वन या इनफाइनाइट. सर दो. सर इनफाइनाइट. सर मेरे तीन आ गए. प्लीज रिपीट द क्वेश्चन बिकॉज़ ऑफ नेटवर्क. सर इनफाइनाइट ही आएंगे. नन ऑफ दिस. सर व्हाट इज. चलो ठीक है, ठीक है, अब देख लो, अब देख लो भाई. नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया. वन 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 वन. देखो क्वेश्चन ये है, ये जो इक्वेशन एक से ज्यादा बोल दो तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे. मेरा कहना है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा. आप लोग बोल रहे हो, कोई बोल रहा है सर दो होंगे, कोई बोल रहा है सर तीन होंगे, कोई बोल रहा है सर इनफाइनाइट होंगे. सर इनफाइनाइट हो गए. सर इनफाइनाइट होंगे क्योंकि एक वैल्यू हो सकती है y is equal to 0 and x is equal to और उसके सॉरी y is equal to 1 and x एक वैल्यू की वजह से. सर दूसरी वैल्यू हो सकती है x is equal to 6/5 और y is equal to 6 और बस हो गया. चलो शांत हो जाओ. एक एक वैल्यू. सर फिर x और y दो. चलो शांत हो. सर x और y. चलो शांत हो जाओ और सुनो. चलो शांत हो जाओ और सुनो. ठीक है, अब आई विल जस्ट रिवर्स माय स्टेटमेंट एंड प्लीज एवरीबॉडी नाउ साइलेंस फॉर. हाँ बोलिए बोलिए. सर आपकी आवाज रोबोटिक जैसी आ रही है. रोबोटिक जैसी आ रही है. आई थिंक देयर इज. सर नहीं सर, एकदम क्लियर आवाज हो रही है. सही है. आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क कनेक्शन. हाँ अब आप लोग शांत हो जाओ. अब इनसे बात कर लूँ मैं. आई थिंक देर इज सम नेटवर्क इश्यू एट योर एंड, यू कैन रीकनेक्ट. हाँ चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से. मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, बट आई एडमिट मैं कंफ्यूज करने की कोशिश में नहीं कामयाब हो पाया. अब देखो जरा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं. ये क्या है, एक मिनट रुक जाओ. ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है. अब ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन पे ये कोई पॉइंट होगा मान लो, ये कोई पॉइंट है मान लो, ये कोई पॉइंट है मान लो. ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये सारे के सारे पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन के सॉल्यूशन हैं. ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं. सपोज करो मैं इस पॉइंट की बात करता हूं. ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4, -4, -4, -6. अगर मैं x की जगह -4 पुट करूंगा और y की जगह 6 पुट करूंगा, सो माय लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू माय राइट हैंड साइड. 3 × -4 + 4 × 6 व्हिच विल बी इक्वल टू -12 + 24 व्हिच इज इक्वल टू 12. और माय लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माय राइट हैंड साइड. दैट मींस दिस पॉइंट -4, 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सिमिलरली एक बात यहाँ पे ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है, सो इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. कैसे, ये आप लोग इस ग्राफ को देख के भी बोल सकते हो. इस ग्राफ को बढ़ाते जाओ जहां तक बढ़ाना है. कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन्स होती, अगर मेरे पास दो इक्वेशंस होती, इन दैट केस हमें सोचना पड़ता कि क्या है, एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन, एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, वो डिफरेंट केस होता जिसको अपन 10th स्टैंडर्ड में डील करेंगे. अब यहां इन्होंने एक मिनट लेट मी कंप्लीट. अब यहां इन्होंने बोला कि मुझे तीन सॉल्यूशन बना के दे दो. अभी बना के दे देते हैं सर. देखो
5x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू जीरो, तो यहां से हो जाएगा 6y इक्वल टू 5x प्लस 6, सो y विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ 5x प्लस 6। अब x की वैल्यूज अलग अलग रखो, y की वैल्यूज अलग अलग ले लो। x की वैल्यू, एक सेकेंड यार, x की वैल्यू जीरो रखोगे, x की वैल्यू जीरो रखोगे, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। जब x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू वन हो जाएगी, जब x की वैल्यू वन रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव इंटू वन इज वन, फाइव, फाइव प्लस 11 बाई 6। जब x की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 5 इज 1, 1 अपॉन 6। तो देयर वी आर हैविंग थ्री सॉल्यूशंस, आपको पांच सॉल्यूशन चाहिए, फाइव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x ले लो, 10 सॉल्यूशन चाहिए, 10 डिफरेंट, 10 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x ले लो, एंड इन दिस वे यू कैन कंटिन्यू। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था सर, जो लाइन है सर वो इंडेफिनाइट दोनों साइड, हाँ जी, हाँ जी, एक्सटेंड होती है सर, हाँ जी, सॉल्यूशंस भी दोनों साइड एक्सटेंड हो गए, यस, द सॉल्यूशन जो होगा वो दोनों साइड एक्सटेंड होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये सीधे सीधे मैं आपकी एनसीईआरटी से उठा के लाया हूं। द क्वेश्चन इज सॉल्व दिस इक्वेशन 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब y x एक्सिस एंड y एक्सिस, और नंबर लाइन मतलब कि जो अपन ने जो नंबर लाइन अब तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं वो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2x plus 1 is equal to x minus 3, so ये जो equal to minus 4, तो x equal to minus 4 आ गया यहाँ से, ठीक है, yes, sir. x equal to minus 4 आ गया। जब x equal to minus 4 को जो अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, ये 0 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, और ये माइनस 4 हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। कार्टेशियन प्लेन पे कैसे करेंगे, जो अपन पहले से सीख चुके हैं, x इक्वल टू माइनस 4 है, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, 0 इंटू y प्लस x इज इक्वल टू माइनस 4, सो x विल बी इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 इंटू y। अब वैसी चिड़िया का घोंसला बना दो, और what you will find that at different values of y, the value of x will be minus 4 only, क्योंकि यहाँ पे 0 into y है, तो y के different values पे x की जो value होगी वो minus 4 ही होगी। इस तरीके से line आएगी, draw कर दो, your equation is खत्म, question is over, ठीक है। लेकिन ये पूरा करना पड़ेगा, ये पूरा करना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते। question आसान है लेकिन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, नहीं करोगे तो यू विल फॉरगेट द थिंग्स, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर, गुड, थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन x इक्वल टू माइनस 5 y इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू माइनस 5 देन y इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, ठीक है, ये तो इसका सॉल्यूशन आंसर है। तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ को बनाना है, द ग्राफ इज x माइनस 2y इक्वल टू 3, और फिर आपको बताना है जब x की वैल्यू माइनस 5 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी। कुछ नहीं करना है सर, बहुत आसान सा ग्राफ है। देखो क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 3 था, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल टू 3 प्लस 2y लिख सकता हूँ, कोई समस्या तो नहीं है किसी को, x इक्वल टू 3 प्लस 2y लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, फिर से चिड़िया का घोंसला बना दूंगा, ऊपर y लिख दूंगा, नीचे x लिख दूंगा। आपके स्कूल में एग्जांपल ऑफ आवर बुक, यस, दिस मस्ट बी एग्जांपल ऑफ आवर बुक, योर बुक, हो सकता है, आई डोंट, ओके, तो आपको हो सकता है आपके टीचर ऐसा बोले कि नहीं आपको ऊपर x ही लिखना है, नीचे y ही लिखना है। जस्ट आस्क देम वन सिंपल क्वेश्चन, सर व्हाट विल बी द डिफरेंस, जस्ट उनसे ये पूछना है कि सर डिफरेंस क्या है, दैट्स इट। वो हो सकता है आपको ऐसा बोलेंगे कि नहीं आपको तो ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है, ये भी बोल सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं दूंगा, ऐसा बोल सकते। जस्ट आस्क देम वन सिंपल क्वेश्चन, सर व्हाट इज द डिफरेंस, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो।
मैंने ऐसा इसलिए लिखा है माय डियर, आई जस्ट वांटेड टू मेक योर कैलकुलेशन इजी। अगर आप इसको y इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 2 लिखोगे तो क्या आपको नोबेल प्राइज मिलेगा? यू आर अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटिंग योर वर्क, जिससे आपका गलती करने के चांसेस ज्यादा होंगे। यहां से आपको सीधे सीधे इंटीजर्स मिल रहा है, मुझे पता है, यहां से यू विल बी गेटिंग फ्रैक्शंस। तो भाई इंटीजर्स को प्लॉट करना आसान होता है कि फ्रैक्शंस को प्लॉट करना आसान होता है, बताइए? इंटीजर्स। तो हो सकता है आपके टीचर आपको ऐसा बोले, तो इसलिए घबराने का नहीं है, ठीक है? बस इतना पूछ रहे सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो ठीक है, अब यहाँ पे आप y की डिफरेंट वैल्यूज ले लो। y को जब 0 लोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, जब y को -1 लोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। दो पॉइंट मिल गए, प्लॉट कर दो, खत्म करो कहानी। उसके बाद जो आपका ग्राफ बनेगा वहां पे आप चेक कर लो कि जब x की वैल्यू -5 थी तो y की वैल्यू क्या थी? -4। जब x की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू -5 मतलब -5 इसमें आ नहीं रहा है, तो जब x की वैल्यू -5 यहां से निकाल लो यार, x माइनस 2y इक्वल टू 3 है ना, तो x की वैल्यू उन्होंने बोला -5, तो -5 -3 विल बी इक्वल टू 2y, का वैल्यू -4, तो y की वैल्यू विल बी इक्वल टू -4। इस ग्राफ से आपको नहीं दिख रहा है, इस ग्राफ से आपको नहीं दिख रहा है, इस ग्राफ को जब आप एक्सटेंड करोगे तो यू विल गेट द पॉइंट। और जब y इक्वल टू 0 है, जब y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 3। y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 3 आएगी। ये पॉइंट भी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आप स्केल थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ठीक है, इन दिस केस इन लाइक दिस यू कैन प्लॉट द ग्राफ एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान है कुछ नहीं, क्वेश्चंस बहुत आसान है कुछ नहीं, बट जस्ट डोंट अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट द थिंग्स एंड बर्डन योरसेल्फ। और बहुत छोटे हो यार, अभी पूरी दुनिया देखती है, बहुत छोटे हो अभी। चलो नेक्स्ट इज, अब एक अलग सा क्वेश्चन है, ये क्या है भाई, इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है, एक अलग सा क्वेश्चन है। इन इस इक्वेशन का x plus y equal to 4 and 2x minus y equal to 12, इनका ग्राफ सेम पॉइंट, सेम इनका जो ग्राफ है सेम ग्राफ पेपर पे बना के, और आपको बताना है कि ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनका सेम ग्राफ पेपर पे बना दो, एक ग्राफ इस तरीके से आएगा, एक ग्राफ इस तरीके से आएगा और दूसरा ग्राफ, यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, एक ग्राफ इस तरीके से आएगा और जो दूसरा ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, इन दोनों ग्राफ्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2,2। ठीक है, ये यहां से भी अपन देख सकते हैं कि ये 0 है, ये 4 है, तो इन 0 और 4 के बीच वाला जो होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा। और ये 0 है, ये दिस इज 5, तो ये वाला जो होगा ये कुछ 2 होगा। ये मेरी गलती नहीं है, मैंने सिंपली एक्सेल यूज करके ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ की स्केल इसने ऐसे लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी गलती नहीं है। जब आप लोग ग्राफ बनाना तो 0 के बाद 1 लेना, फिर 1 के बाद 2 लेना, तो यू विल गेट, और फिर यहाँ, हाँ बोलिए, एक मिनट, फिर 1 लेना फिर 2 लेना, इस तरीके से बनाना, तो यू विल जस्ट गेट द ग्राफ। हाँ बोलिए सर, हम इस इन ये इक्वेशन दी है उसको ऐड करके उसकी वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं ना, एक्स और वाई? बेटा ऐड करके वैल्यू ढूंढना अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जो ऐड करके वैल्यू ढूंढने की आप बात कर रहे हो, दैट यू विल स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, जब आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ोगे। तो राइट नाउ एट योर लेवल दैट थिंग इज नॉट इन योर सिलेबस। यू कैन डू नो प्रॉब्लम इन इट, बट स्कूल में मत करके आना बेटा, नहीं तो 0 नंबर मिलेंगे। सर स्कूल में भी रियल नंबर्स में कर दिए रहे थे वो, क्या नंबर्स में, रैशनल नंबर्स में ऐसा किया था। लेकिन दिस टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है, ग्राफिकली सॉल्व करने इज इन योर सिलेबस। Please try to stick to the syllabus. If you are talking about your school exams, okay? School exams ke reference mein sirf, please try to stick to the syllabus, okay? Kar sakte hain. There is nothing wrong in it, but just stick to the syllabus, okay? So, ab jo hai. Sir, can you repeat this part as my internet connection?
नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैंने बस इतना ही बोला था कि he asked me कि सर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए can I add these two equations and I can I get to the value? Yes, he can get to the value, but this thing is not mentioned in your syllabus, so your school teacher will deduct your marks. अगर वहां पे ये बोला गया है कि अगर लाइन ये है क्वेश्चन की ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द दीस टू इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ एंड देन यू विल हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अदरवाइज यू विल गेट जीरो. हाँ बोलिए, कोई कुछ और पूछ रहा था सर. हाँ बोलिए सर. आपने अटेंडेंस ले ली? अटेंडेंस हो जाएगी, अटेंडेंस के लिए मैंने बोल दिया है आपके किसी फ्रेंड को, वो लेके मेरे को भेज देगा. डोंट वरी अबाउट द अटेंडेंस, डोंट वरी अबाउट द अटेंडेंस. आई नो दैट इन माय क्लास देयर वर इनिशियली देयर वर सम 70 स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल 62 स्टूडेंट्स एंड 10 ऑफ देम हैव लेफ्ट, बट ठीक है कोई बात नहीं. आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द 62, आई एम लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द 10 दोज हु आर लेफ्ट. I'm least concerned about it. ठीक है. So in this way, this topic is over. आप लोगों से मेरा क्या बोलते हैं जो मुन्ना भाई में बोलता है, it's my